पुलिस अस्पताल के बगल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने का एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह, दिनेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अभी तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चल रही थी, जिसे शासनादेश जारी होने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना के रूप में परिवर्तित किया गया है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि थाना स्थापित होने से अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित मामले यहीं पर दर्ज होंगे और विवेचना का भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि थाने में 11 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 2 उप निरीक्षक तैनात हैं, जिसके नोडल अधिकारी एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, एएसटीयू यूनिट चल रहा था अभी तक हमारे जनपद गोरखपुर में। अभी कुछ समय पहले ही अधिसूचना जारी की गई है, उसके तहत अब हमारे जनपद में यह थाने के रूप में कार्य करेगा। इसमें अपराधों का पंजीकरण किया जाएगा, विवेचनाएँ की जाएगी और अन्य अग्रेतर कार्रवाई भी इसी थाने से की जाएगी। एएसटीयू में जब तक थी तब तक थाने में अपराध पंजीकरण संबंधित थाने में होता था, अब इसका कार्यक्षेत्र पूरे जनपद का होगा और पूरे जनपद में जो भी एएसटी से रिलेटेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी केसेज होंगे वो यहीं दर्ज होंगे और इसकी विवेचना यहीं होगी। इसकी मॉनिटरिंग एसपी क्राइम करेंगे, नोडल अफसर होंगे और यहाँ एसएचओ की नियुक्ति होगी, 2 सब इंस्पेक्टर भी नियुक्त हैं और 11 का स्टाफ यहाँ पर नियुक्त है।